क्या खूब कहा, मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल DMR राशिफल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 22 जून दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा, और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन मंगलवार है, बजरंगबली महाराज का दिन है, बजरंगबली महाराज की पूजा अर्चना करें। मित्रों और कमेंट में जय बजरंगबली महाराज लिखें, बजरंगबली महाराज आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाणक्य नित्य ज्ञान के बारे में। आज आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को बिजनेस से जुड़े बातें बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे भविष्य में धोखा नुकसानदायक साबित होता है। चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसे लोग केवल नाम के लिए रिश्ते बनाते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि जो स्त्रियां लालची होती हैं उसे कभी अपने बिजनेस से जुड़ी बातें नहीं बतानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों को अपनी बातों दूसरों को बताने का शौक होता है। चाणक्य जी कहते हैं कि जो दूसरों को बातें नहीं बताए और इसलिए स्त्रियों को अपने व्यवसाय से जुड़ी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, वही व्यवसाय से कभी घर के ऑफिस के जो लोग छोटे पद पर कार्य कर रहे हों उन्हें भी बिजनेस से जुड़ी बातें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनी बातें बाहर किसी से शेयर कर देंगे, आपकी बिजनेस ट्रिक्स बता देंगे। और चाणक्य जी कहते हैं कि दोस्त अगर कितना भी भोला हो तो भी उसे बिजनेस से जुड़ी बातें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि भोले व्यक्ति ही अपने आसानी से आपके बिजनेस ट्रिक्स जो दूसरों को भेद दे सकते हैं। मित्रों यही था आज की चाणक्य नित्य का ज्ञान। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अब बात करते हैं आज के पाचांग के बारे में। पाचांग 22 जून दिन चल रहा है, मंगलवार तिथि चल रही है, द्वाशी नक्षत्र चल रहा है, विशाखा ऋतु चल रहा है, वर्षा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष आज सूर्योदय होगा 5:26 पर और सूर्यास्त होगा 7:04 पर। आज का शुभ समय 9:32 से 10:48 तक। आज का अशुभ समय 12:26 से 1:58 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 4 है और भाग्यशाली दिशा उत्तर है और भाग्यशाली रंग ग्रे है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। आज का दिन अनुकूल रहेगा, काम में देरी होगी, पारिवारिक का सहयोग प्राप्त होगा, सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे और बड़ी बहन से उपहार प्राप्त होगा, दूसरों की सहायता करेंगे, रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा, घर के सामानों की खरीदारी करने जा सकते हैं और रिश्तेदारों से मिलना होगा, जीवन साथी के साथ संबंध होंगे मधुर, और वहीं आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए अगर आप बेवजह खर्च करेंगे तो परहेज करें और आपके लिए बेहतर रहेगा, व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है, कुछ सामाजिक व धार्मिक कार्यों पर मन लगाना पड़ेगा, पारिवारिक अशांति विशेष रूप से आशंका रहेगी, बस माँ के स्वास्थ्य पर आए किसी बुजुर्ग महिला के प्रति सावधान रहें, राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में जुड़े जातकों को सम्मान की हानि की आशंका होगी, बाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, छात्राओं को अपनी एकाग्रत बनाए रखने पर कठिनाई होगी और ससुराल पक्ष से आपको कुछ लाभ मिलने की संभावना रहेगी, जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगढ़ता होगी और माता पिता को पूर्ण सहयोग के प्राप्त होगा, भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे और सुधार भी होगा, पारिवारिक द्वारा किए गए रचनात्मक आय व्यय से आपको स्थित रहें, किसी परिचित से संबंधित कुछ अप्रिय समाचार मिलेगा और आपको व्यवस्थित करना होगा, प्रेम संबंधों के लिए भाग्य विशेष सहायक नहीं रहेगा, व्यापार में धन की प्राप्ति विलंब होगी, आर्थिक स्थिति तनावग्रस्त रहेंगे, आय व्यय में संतुलता बनाकर कठिन रखनी होगी, अधिक उपव्यय करने से बचें और किसी व्यापारिक सहभोगी की वजह से आपको हानि हो सकती है, स्वास्थ्य दुर्घटना चोट लगने से योग सावधानी बनाए रखें। और तुला राशि वाले जातकों को बाणी पर संयम बना
बना के रखना होगा। कुट कुबाड़ी के वजह से दूसरा का सहयोग आपको मिल पाएगा और काम में समय पूरा होगा। फिजूल के बाद विवाद से उलझने से बचना होगा और आज आपके हित में रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा। दिखावे के लिए धन खर्च करने से बचें और सफलता होगा। दिखावे के लिए धन खर्च भी नहीं करना होगा। अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। प्रणता होगी और आपको सभी अप्रिय समाचार मिलेंगे। रुपए पैसों के मामले में बहुत अच्छा दिन रहेगा। नौकरी का वातावरण सुखद होगा और आज आप अपनी पूरी मेहनत व ताकत के साथ काम करेंगे। बीच बीच में बैलेंस कुछ मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन आप उनको मैनेज करने के कामयाब होंगे और शेयर संबंधित कारोबार में भी आज आपको कुछ राहत मिल सकती है। परिजनों की छोटी छोटी बातों का बुरा न माने, उनकी भावना का ख्याल रखें और आज अपनों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं और प्लान बना सकते हैं। किसी धार्मिक कार्य का हिस्सा भी बन सकते हैं और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य महसूस करेंगे। और आज सूर्य लग्न आपके आर्थिक स्थिति प्रवेश करेगी। इस दौरान जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरों को खुश रखने की कोशिश नजर आएंगे और कार्य क्षेत्रों में कड़ी मेहनत करेंगे, सफलताएं भी मिलेंगी और अपनी क्षमताओं को विश्वास भरना होगा। गोचर काल में पारिवारिक जीवन नकारात्मक असर पड़ेगा। मित्रों के साथ साथ अच्छा समय गुजरेगा और यात्राओं के बारे में विचार बन सकता है। आज का दिन भविष्य के लिए अच्छा और सोचने के सकारात्मक बरतेंगे। नकारात्मक व अशंकारी विचार में मन में आते रहेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज के दिन धन की प्राप्ति होगी और परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। अगर कहीं पैसा फंसा है तो इसे पिलने की संभावना बढ़ी रहेगी। और स्वास्थ्य को लेकर जिन लोगों को कफ की समस्या है, उन्हें ठंडी चीज़ों को सेवन करने से ज़रूरत होगी। साथ ही ध्यान रखें कि बेवजह किसी पर क्रोध न करें। संतान की प्रणता को लेकर शुभ सूचना मिल सकती है। कुल संबंधितों में अच्छी खबर मिलने की संभावना रहेगी और आज का दिन आपके लिए महान पुरुषों से मेलजोल बढ़ाने की संभावना रहेगी। नए कार्यों में विधिनिक और तकनीकी विचार के उपरांत कुछ निर्णय लें। अपने काम में अधिक से अधिक काम करने में कामयाब होंगे, क्योंकि इस दिन आपकी समय व्यतीत हिम्मत पुरुषाचार शक्ति बढ़ी हुई है और घर के पुराने लटके हुए कार्यों को बला लेने का ही मौका रहेगा। अकस्मित उलट फिर आपको लाभ मिलेगा। भाग्य आज आपके दिन साथ करने में बेताब होगा। कर्म करते जाओ, सब कुछ तकदीर के ऊपर छोड़ दो और भाग्य साथ देगा। धन लाभ होगा। कार्य क्षेत्रों में आज का दिन मिला जुला साबित होगा। व्यापार में पारिवारिक जीवन स्थितियां कारण तनावपूर्ण माहौल रहेगा। आपके मन में बहुत सी बातों को लेकर चिंताएं भी लगी रहेंगी, लेकिन आप बेचैनी का अनुभव करेंगे। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। आज किसी का वाहन मांग कर न चलाएं और स्वास्थ्य घुटने में दर्द महसूस करेंगे। मित्रों, यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप